हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी डीप नेक पर। तो ये कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक मैंने यहां पर लिया है डिज़ाइन के लिए, और ये मेन फैब्रिक है मेरा। तो सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे अपनी तरफ, और यहाँ पर हमें टोटल लेंथ लेनी है। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके, मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ ली है 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है, और ये ब्लाउज़ डीप नेक के अकॉर्डिंग है। तो शोल्डर रखने हैं हमें यहाँ पर 5 इंच, आर्म होल लेने हैं 1.25 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे 8 इंच, 1.5 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 2 इंच भी ले सकते हैं डीप नेक के। तो डीप नेक में हम 1/2 इंच बाहर की तरफ इस तरीके से करते हुए तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गुलाई देंगे। इसके बाद कमर का 4th पार्ट ले लेंगे, कमर है 26 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, अब हम इसे कट कर लेंगे, और इसके बाद इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। ये देखिए, मेन फैब्रिक पर रखकर मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम गले के लिए मेज़रमेंट लेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं 2 इंच। अगर आप इसे हैवी साइज़ में बना रहे हैं तो गले की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। और नेक की लेंथ रखी है 9.5 इंच, और नीचे से नेक विड्थ ली है मैंने 3 इंच। नीचे से नेक की जो विड्थ है वो मैंने 2.5 इंच ली है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं अगर आप थोड़ा और ब्रॉड रखना चाहें। उसके बाद देखिए, हमें गले का जो शेप है वो इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। अब हम देखिए यहाँ पर मार्क करेंगे तो 3 इंच आ रहा है, यहाँ से भी 3 इंच ले लेंगे। मैंने ये मार्किंग शोल्डर को नाप कर किया है, शोल्डर 3 इंच आ रहा है, तो यहाँ से भी आर्म होल्स के नीचे से भी हम 3 इंच ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए, आपको इस तरीके से शेप ड्रॉ करना है। शेप मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसे इस तरीके से रखेंगे। पहले हम गले को कट कर लेंगे, और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें पेपर पेस्टिंग चाहिए होगा। तो पेपर पेस्टिंग मैंने यहाँ पर लिया है, उसे आपको इसके बराबर रख लेना है। ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आर्म होल्स तरफ से मार्किंग किया है वो पेपर पेस्टिंग से पूरा कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें इस तरीके से मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है, और ये जो आर्म होल का शेप हमने बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे कट भी कर लेंगे। ये देखिए, अब हम मैं इसे अटैच करूँगी। मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिखाया था, तो ये आप कॉन्ट्रास्ट में लीजिएगा तो इससे इस डिज़ाइन का जो लुक है वो और भी अच्छा लगेगा। ये देखिए, प्रिंटेड फैब्रिक लिया है मैंने यहाँ पर, और इसे हम पिनअप कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे प्रेस से अटैच कर सकते हैं, प्रेस से आप इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसे सिलाई लगा कर अटैच कर दिया है, और अब मैं इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दूंगी। इस तरीके से देखिए, हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे, और इस तरफ से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरफ से हमें इसे फोल्ड कर देना है। इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब गले को हमें बनाना है, तो यहाँ पर देखिए, एक पैर का मार्जिन रखते हुए मैं गले को इस तरीके से बना लूँगी सिलाई लगाकर। मैंने अंदर की तरफ पेपर पेस्टिंग नहीं लगाया है, अगर आप चाहें तो अंदर भी लगा सकते हैं। और इसे मैं कट कर लूँगी, जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर देना है, और पूरे ही गले पर हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। इस तरीके से कट आपको अच्छे से लगा लेने हैं। कट मैंने लगा लिया है, अब एक सिलाई हमें अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर के ऊपर लगा लेनी है। ये देखिए, ये सिलाई मैंने अस्तर के कपड़े पे लगाई है। अब गले को हम बिल्कुल अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, तो आप देख सकते हैं अच्छे से फिनिशिंग आ गई है गले में। अब एक सिलाई हम ऊपर से लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग की लगा देनी है, यहाँ पर इस तरीके से। अब मैं इसके साइड में सिलाई लगा दूंगी इस तरीके से।
साइड से सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर साइड से भी सिलाई लगा दी है। अब मैं इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दूंगी। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है, अच्छे से इसमें फिनिशिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो सेंटर में कट लगाना है और 4 इंच की लंबाई में हमें इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स लगा लेनी है। दोनों ही तरफ मैंने प्लेट्स लगा ली हैं और अब हम लगाएंगे नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी यहाँ पर अटैच कर देनी है। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है हमें। ये देखिए कमर पट्टी को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। तो ये डिज़ाइन हमारा जो बैक पार्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसे अब हम डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर देखिए मैंने ये पैटर्न तैयार करके रखे हैं और इस पे हम फिनिशिंग कर देंगे। तो ये पाइपिंग अटैच करेंगे यहाँ पर हम। यहाँ पर मैंने पाइपिंग बनाने के लिए रेप पट्टी ली है। पट्टी को नीचे की तरफ आपको इस तरीके से रखना है और इस पे सिलाई लगानी है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिलाई में जितना आप गेप छोड़ते हैं, तो मैं एकदम कॉर्नर से सिलाई यहाँ पर लगा रही हूँ। गेप मैंने ज़्यादा नहीं छोड़ा है क्योंकि मुझे पाइपिंग पतली ही चाहिए। तो जितना गेप आप छोड़ के सिलाई लगाएंगे उतनी ही मोटी पाइपिंग यहाँ पर निकलेगी। तो मैंने जब इसे फोल्ड करते वक्त जो सिलाई लगाई थी पैटर्न को, उसी सिलाई के ऊपर पट्टी जो पाइपिंग के लिए सिलाई है वो मैंने लगाई है। और इस तरीके से इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर ये इसमें फिनिशिंग भी हो जाएगी और एकदम पतली सी यहाँ पर पाइपिंग भी आ गई है। देखिए अब लेना है हमें एक न्यूज़पेपर और उसके ऊपर जो हमने गला कट किया था बीच में से जो पट्टी निकली थी वो लेकर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। तो 1.5 इंच नीचे की तरफ आपको ले लेना है यहाँ पर और इसे कट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से कट मैंने कर लिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर पीसेस लिया है और इसके मुझे लूप्स बनाने हैं। तो लूप्स बनाने के लिए पट्टी हम इस तरीके से सिलाई लगा कर इसे पलट लेंगे। इस पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो हम कट कर लेंगे और इसे सुई धागे की मदद से पलट कर सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे पलट कर हम सीधा करेंगे। ये देखिए पट्टी को मैंने यहाँ पर पलट के सीधा कर लिया है। और इसके बाद देखिए हम यहाँ पर इसके लूप्स कट कर लेंगे। तो छोटे छोटे पीसेस मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ इसके इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर पीसेस मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। और अब हम इस पैटर्न जो मैंने पैटर्न तैयार किया था यहाँ पर हमें इसकी डिज़ाइन बनाकर लगाना है। तो इस तरीके से छोटी छोटी पंखुड़ियाँ हम बना लेंगे इसमें अटैच करने के लिए। ये देखिए तो सारे ही डिज़ाइन मैंने यहाँ पर रेडी कर ली है। और एकदम पास पास में हमें गले के ऊपर की तरफ से जैसे हमने पेपर पे नेक कट किया है तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें गले की फिनिशिंग करनी है। तो ये पाइपिंग मैं लगा रही हूँ इस तरीके से। देखिए पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके लिया है यहाँ पर और इस तरीके से हमें इसके ऊपर अटैच करना है पट्टी को।
अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने से पहले इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे ताकि पट्टी आसानी से फोल्ड हो जाए। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर दूंगी और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है ऊपर से हमें। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने पाइपिंग इस तरीके से अटैच कर दी है। अब जो हमने लूप बनाए थे वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लूप को अटैच कर देना है। ज़्यादा दूरी हमें नहीं रखनी है क्योंकि मैं इसके अंदर मोती लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसमें डोरी भी अटैच कर सकते हैं आप। तो एकदम लास्ट तक मैं यहाँ पर लूप लगा के इसे अटैच कर दूंगी। और इसके अंदर अटैच कर रही हूँ मैं मोती। तो अच्छे से धागे को आपको पक्का करके लेना है। आप चाहें तो चार फोल्ड करके भी धागे को ले सकते हैं। और इसके बीच में हम मोतियों को इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए पूरा लास्ट तक हमें मोतियों को इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर देना है और फिर इसे पक्का कर देना है ताकि ये निकले ना। ये देखिए मैंने मोती अटैच कर दिए हैं और इस पैटर्न को अब हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे लगा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल जो पाइपिंग की सिलाई है उसी पाइपिंग के ऊपर कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए हमें यहाँ पर इसे अटैच कर देना है। अब मैं यहाँ पर जो न्यूज़ पेपर है उसे निकाल दूंगी। ये देखिए और जो साइड का पैटर्न हमने रेडी करके रखा है वो इसके ऊपर अटैच कर देंगे हम इस तरीके से। पाइपिंग के कॉर्नर से हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ से हम इसी तरीके से सिलाई लगाकर यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो डिज़ाइन है वो बन करके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।